गर्मी के मौसम में बेल का शरबत मिल जाए तो क्या बात। आज हम लोग बेल का शरबत बनाने वाले हैं। बेल, जिसे इंग्लिश में वुड एप्पल कहते हैं, हम लोग भगवान शिव को जो बेल पत्र अर्पित करते हैं उसी वृक्ष का ये फल होता है, इसे ही बेल कहते हैं। यह जब पक जाता है तब इसे खाने में इस्तेमाल करते हैं। यह बहुत मीठा होता है और स्वादिष्ट और पेट के रोगों के लिए गुणकारी होता है। गर्मी के सीजन में इसका शरबत अधिकतर लोग पीते हैं। इसे ऐसे भी खाया जा सकता है, बस इसे तोड़कर आप खा सकते हैं, लेकिन इसके बीजों को नहीं खाया जाता, उसमें थोड़ा कड़वापन होता है। अब हमने बेल को तोड़ लिया है। तोड़ने के बाद इसके पल्प को अलग कर लेंगे, एक बर्तन में रख लेंगे। उसके बाद इसे मैशर से मैश कर लेंगे, या तो हाथों से ही दबा दबा कर इसका बीज निकाल लेंगे। अब इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर लेंगे। इसे मिक्सर ग्राइंडर में नहीं पीसना है, कुछ लोग इसे मिक्सर ग्राइंडर में पीस देते हैं, जिससे बीज इसके पीस जाते हैं और जिससे कड़वापन आता है। अब हमने इसमें शक्कर ऐड किया है। इसमें शक्कर ऐड करने की वैसे ज़रूरत नहीं रहती, क्योंकि ये ऑलरेडी मीठा रहता है, पर आपको मीठा ज़्यादा पसंद है तो आप कर सकते हैं। अब हमें इसे छान लेना है। छानने से इसके रेशे और जो बीज है वो अलग हो गया। इसे हम फेंक देंगे और जो बेल का जो शरबत है वो बन के तैयार है। यह एकदम नेचुरल शरबत है, बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट और बहुत ही ज़्यादा गुणकारी होता है।